से धरने पे बैठे हैं यहाँ पे, इनको 72-73 में कृषि भूमि के पट्टे राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए थे। और विडंबना यह है कि राजस्व विभाग और वन विभाग की भूमि को लेकर यह बीच में यह परिवार लोग पिस रहे हैं। और वर्तमान में इनकी जो भूमि थी जिस पे यह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, और विगत 40-45 साल से उस भूमि का उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे थे, उस भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा करके और तार फेंसिंग का कार्य लगातार जारी है। क्या जो 84 में जब भूमि अधिग्रहण उनके नाम की गई थी फॉरेस्ट विभाग, तो उस समय इनको नोटिस जारी किए गए थे क्या? नहीं, मेरी इनके अधिकांश लोगों से बात हुई थी तो ऐसी किसी भी प्रकार की सूचना इन लोगों को ना पहले दी गई थी और ना वर्तमान में दी गई है। इससे लगता है कहीं ना कहीं राजस्व विभाग इन लोगों को अंधेरे में रखकर यह कार्रवाई कर रहा है। अगर फॉरेस्ट को भी अगर भूमि अधिग्रहण करना था तो पहले इनको बताना था कि ये जो जमीन है हमारी है, उस पर कोई पहले नोटिस देना था या जानकारी देना था। फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस दिए? नहीं, फॉरेस्ट विभाग ने भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। फॉरेस्ट विभाग ने जो भी कार्रवाई की है वह राजस्व विभाग के थ्रू की है। और आज स्थिति यह है कि राजस्व विभाग भी यह स्थिति तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर अगर इनको पट्टे जारी किए गए थे 72-73 में तो वह भूमि कहाँ पे है। किन मांगों को लेकर बैठे हो, क्या हो गया है? जमीन के लिए बैठे सर। फॉरेस्ट वाले छोड़ा रहा है। फॉरेस्ट वाले क्यों छोड़ा रहे हैं? अब इसलिए छोड़ा रहा है कि तुम्हारी नहीं है, हमारी है, भेजा कह रहा है। आपके पास कागज है? सब कुछ है, पट्टा है, वही है, पट्टा वही है, आपके सब कुछ है। कितने लोगों का भरण पोषण हो रहा था उस जमीन से? 15 आदमी है भैया जी। आपके परिवार में? परिवार में, परिवार, हाँ परिवार में 15। उसी खेती से सबका भरण, सब कुछ वही में हो रहा हो। सरकार अगर जमीन ले ले तो घर को पालन पोषण कैसे हुई है? कछु ना हुई है, सही घर है, काकार है। क्या नाम है आपका? मुन्नी भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन लाल नौरिया। लखन भाई, आप आज जो 12 परिवार बैठे हैं, किस मामले को लेकर बैठे हैं आप? जो हमारे लिए 72-73 में जो जमीन दी गई थी जी, तो वो वन विभाग वालों ने उस पर तार बाउंड्री कर ली है। अब हमारा 20 परिवार है, 19, तो अब वो काय में पालन पोषण करेंगे। कितने साल से खेती कर रहे थे आप वहाँ पर? वहाँ पे हो गए होंगे 40-45 साल। 40-45 साल, हाँ। क्या उसके पट्टे भी दिए थे सरकार ने? हाँ, पट्टे भी हैं, वही भी हैं, उसका मुआवजा भी दिया जो वही चुकती थी ना जी, हाँ। और जो सरकारी बनिया डरी थी उसका भी पैसा दिया है। आपने उनका पैसा भी दिया? हाँ, मतलब जी। सरकार को आपने उनका टैक्स भी दिया? हाँ, टैक्स भी दिया जी। अब क्या, अब वन विभाग क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो हमारी जगह है कहिए। तो मतलब आप राजस्व से ये जानना चाह रहे कि अगर ये वन विभाग की जगह है तो हमारी जगह कहाँ है? हाँ, वही तो, हमारी जो वन विभाग वाली जो जमीन है इनकी, तो फिर हमारी कहाँ पे है? तो आप शासन से किस हद तक लड़ाई लड़ पाएंगे? अब लड़ाई तो अब लगी है जी, वो लड़ना ही पड़ेगा। अब जहाँ हमारी जो लोग पालन पोषण के लिए जमीन नहीं मिलेगी जो लोग, तो लड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हैं शोषित पीड़ित समाज की मजबूत आवाज़, एकलव मानव संदेश, मैनपुरी जनपद के माधवनगर कॉलोनी।